हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सक्लूसिव लर्निंग। आज का वीडियो यह भारत में प्रमुख कृषि संबंधित संस्थान है कहाँ कहाँ पर है, जो भारत के जो कृषि संबंधित संस्थान है वो किस किस जगह पर है उसके बारे में ये वीडियो। फर्स्ट हो गया भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण संस्थान, यह है कोलकाता में है। भारतीय वानस्पतिक शोध संस्थान है लखनऊ में, यह भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण संस्थान जो है वानस्पतिक सर्वेक्षण संस्थान है कोलकाता में। वानस्पतिक शोध संस्थान है भारतीय वानस्पतिक शोध संस्थान, यह लखनऊ में। तीसरा हो गया भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, यह कानपुर में यूपी में है। केंद्रीय राष्ट्रीय पादप संग्रहालय, यह शिवपुर कोलकाता में है। पांचवा हो गया केंद्रीय नारियल शोध संस्थान, यह कासरगोड में। उसके बाद हो गया छठा सिक्स हो गया केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान, यह राजमुंदरी में। सातवां हो गया केंद्रीय चावल शोध संस्थान, यह कटक में उड़ीसा में। आठवां हो गया केंद्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान, ये कोयम्बटूर में है। उसके बाद हो गया नौवा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, यह नई दिल्ली में है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद भी नई दिल्ली में है, यह अनुसंधान संस्थान यह अनुसंधान परिषद ये दोनों है नई दिल्ली में। वन शोध संस्थान यह है देहरादून में। उसके बाद हो गया बारहवा केंद्रीय बागानी फसल अनुसंधान संस्थान, यह है कासरगोड में। उसके बाद हो गया तेरहवा केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान, यह हैदराबाद में। केंद्रीय कृषि इंजीनियरिंग संस्थान, यह है भोपाल में। उसके बाद हो गया 15 फल शोध संस्थान, यह है सबौर में। 16 हो गया राष्ट्रीय सोरगम अनुसंधान संस्थान, यह हैदराबाद में हो गया ये। उसके बाद हो गया 17वां है बीरबल सहनी जीवाश्म संस्थान, यह लखनऊ में। उसके बाद हो गया 18वां लीची विकास एवं शोध संस्थान, यह मुजफ्फरपुर में बिहार में है ये। चाय अनुसंधान संस्थान, यह जोरहाट में है। रेशम अनुसंधान संस्थान, यह मैसूर कर्नाटक में है। कपास अनुसंधान संस्थान, ये मुंबई में है। कपास अनुसंधान संस्थान है मुंबई में। भारतीय वानस्पतिक शोध संस्थान, यह लखनऊ में है। उसके बाद हो गया भारतीय जूट निगम, यह कोलकाता में है। उसके बाद हो गया भारतीय किसान उर्वरक कोऑपरेटिव इफको, यह है नई दिल्ली में। भारतीय कृषि सांख्यिकी संस्थान, यह भी नई दिल्ली में है। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान शाला, यह अल्मोड़ा उत्तराखंड में। राष्ट्रीय काजू अनुसंधान केंद्र, यह पत्तूर में है। राष्ट्रीय नारियल अनुसंधान केंद्र, यह जूनागढ़ में। भारतीय लाह शोध संस्थान, यह नामकुम रांची में। उसके बाद हो गया 30वां भारतीय गन्ना शोध संस्थान, यह है लखनऊ में। 31वां हो गया भारतीय शर्करा तकनीकी संस्थान, ये कानपुर में है। 32वां हो गया कपास तकनीकी शोध प्रयोगशाला, यह मांटुगा में मुंबई में। 33वां हो गया आलू विकास एवं शोध संस्थान, यह बिहार शरीफ बिहार में है। उसके बाद हो गया 34वां सेंट्रल स्टेट फॉर्म, ये हो गया सूरतगढ़ में। उसके बाद हो गया 35वां सोयाबीन अनुसंधान केंद्र, यह इंदौर में है। उसके बाद हो गया केंद्रीय आलू शोध संस्थान, यह शिमला में है। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान, ये लखनऊ में है। केंद्रीय साग भाजी प्रजनन केंद्र, यह कुल्लू में है। केंद्रीय शुष्क प्रदेश शोध संस्थान, यह जोधपुर राजस्थान में है। केंद्रीय आम शोध संस्थान है लखनऊ में है। केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पादप संस्थान, ये लखनऊ में है। कृषक भारतीय कोऑपरेटिव लिमिटेड है फरीदाबाद में है। जूट कृषि अनुसंधान संस्थान है, यह बैरकपुर में। कॉफी अनुसंधान संस्थान है चिकमंगलूर में है। उसके बाद हो गया 45वां रबड़ अनुसंधान संस्थान, यह कोटायम में है। तसर सिल्क विकास केंद्र, यह भागलपुर में है। उसके बाद हो गया केंद्रीय गेहूं अनुसंधान संस्थान, यह है पूसा में है। उसके बाद हो गया केंद्रीय कंदीय फसल शोध संस्थान, यह
तिरुवनंतपुरम में, केरल में है ये। उसके बाद हो गया 49वां केंद्रीय जूट तकनीकी शोध संस्थान ही है कोलकाता में। उसके बाद लास्ट हो गया केंद्रीय खाद्य तकनीकी शोध संस्थान, ये है मैसूर में है। तो फ्रेंड्स ये हो गया ये वीडियो हो गया। तो फ्रेंड्स ये वीडियो हो गया भारत में जो प्रमुख कृषि संबंधित संस्थान है उसके बारे में हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो।